नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की खबर, बहन मायावती जी खबर और कुछ प्रश्नों के जवाब हैं जो हमारे दर्शक भाई हमसे सवाल कर देते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला शुरू हो गया है, शुरू नहीं बल्कि हो चुका है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर है और वह घोटाला है UPPF यानी उत्तर प्रदेश प्रोविडेंट फंड, जिसमें 2200 करोड़ का घपला हुआ। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग एक्ट के मुताबिक अगर आपका चाहे 50 लाख रुपए जमा हो बैंक में, अगर बैंक डूब जाती है तो आपको मात्र 1 लाख रुपए मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश प्रोविडेंट फंड का पैसा किसी बैंक में चला गया और बैंक अगर हिल चुकी है तो लोगों को क्या मिलना चाहिए? 1-1 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को। इस तरह से गरीबों की मार हुई है। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके साथ अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है। बहन मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहानेबाजी कर रही है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। ये सच सामने आना चाहिए कि इसका मुख्य आरोपी कौन है और कौन ये पैसा गबन कर लिया। मैं आपको बताऊं कि बहन मायावती जो है अपनी पार्टी की 4 सेक्टर में बंटवारा किया पूरे उत्तर प्रदेश को। दानिश अली को संसदीय दल का नेता बनाया, श्याम सिंह यादव भी मुख्य भूमिका में है और सतीश मिश्रा जी को भी अच्छे कार्य दिए गए हैं, जिम्मेदारी वाला कार्य दिए गए हैं। रही बात ये कि मुनकाद अली प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहेंगे। बसपा अब गांव मोहल्लों में उतरना शुरू किया है। बसपा कार्यकर्ता, उनके नेता, अब उनको दलित समाज, सर्वजन समाज सब नजर आने लग गई है और वो अपना टटोल रहे हैं कि उनका वोट बैंक कहां कहां से खिसक रहा है। मैं आपको बताऊं, कुछ भाइयों ने हमसे सवाल किया, कई बार आपने कहा बाबा साहेब डिप्रेस क्लास की बात करते थे। डिप्रेस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड्स है, ये शब्द है अंग्रेजी का, डिप्रेस और ऑप्रेस, ये सिनोमियन से पर्यायवाची है। जब सिस्टम के द्वारा सताया हुआ हो तो उसको हम ऑप्रेस्ड क्लास कहते हैं और जब सोसाइटी के द्वारा सताया हुआ हो तो डिप्रेस क्लास कहते हैं। बाबा साहेब के सामने हमने कई चीजें ऐसी देखी है। एक BBC के पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे ये सवाल कर दिया था कि आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जातिवादी धर्म है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म को स्वीकारता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जितनी जातियां हिंदू धर्म में है करीब करीब उतनी ही जातियां इस्लाम में भी है, वह भी जातियों में बटा हुआ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया बाबा साहेब ने कि मुगल साम्राज्य मनु स्मृति से प्रेरित था और आपने देखा होगा चाहे वो अकबर का दरबार हो चाहे किसी भी मुगल शासक का, उसमें ब्राह्मण या राजपूत सुशोभित कर दिए जाते थे, दरबारी में रखे जाते थे, दलितों को ये अधिकार कभी नहीं मिला। और इस तरह से SC ST हमेशा समाज से सताया हुआ रहा, दूर रहा, इसको जो है मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। इस तरह का इंटरव्यू उन्होंने BBC में दिया है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊं जो लेटेस्ट खबर है झारखंड में, झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो झारखंड के बसपा कार्यकर्ता है वो जगह जगह अपना प्रोग्राम करने लग गए हैं, हर जगह इकट्ठे होने लग गए हैं। लगता है इस बार परसेंटेज वोट झारखंड में ज्यादा निकलेगा बसपा कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा। बसपा अपना सीट भले ही ना निकाले लेकिन जनाधार एक अच्छा तैयार कर लेगी झारखंड में, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं का जो हमने उत्साह देखा और जगह जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, इनके जनसभाओं में लोग उमर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि काफी आकर्षक तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने झारखंड में शुरू किया है इनको बिहार में भी करने की जरूरत है। बिहार में बसपा कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी रैली होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहन मायावती जी को संदेश देना चाहिए आपको कि एक बार गांधी मैदान में पूरा बसपा कार्यकर्ता जो बिहार का है उसकी एक बार शक्ति प्रदर्शन जरूर हो जाए, उससे पता लग जाएगा कि बिहार में बसपा कार्यकर्ता कितने हैं और जनाधार कितना है। मैं आपको लेटेस्ट खबर लेकर आता रहूंगा, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।